आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सीमा के दस्तखान के साथ मैं हाजिर हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, आपका दस्तखान हमेशा भरा रहे, दूसरों को खुशियाँ बांटें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी, जो हम ईद पे अक्सर बनाते हैं। कलेजी वाली बता रही हूँ, कलेजी कई तरह से बनती है, तो मैं आज आपको ये भी बता रही हूँ। रमज़ानों में, सहरी में भी बना सकते हैं, आम दिनों में भी बना सकते हैं, तो उसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। मैंने कलेजी ली है, चिकन की कलेजी ली है मैंने, आधा किलो की जितनी, आप गाय की या किसी की भी ले सकते हैं। चिकन की कलेजी को बता रही हूँ आपको। अच्छा, चिकन की कलेजी ली है मैंने आधा किलो, अच्छी तरह धो के मैंने वॉश कर ली है, हाफ के जी है। इसमें मटन की, बीफ की भी ले सकते हैं आप। अच्छा, इसके अंदर मसाले के अंदर मैंने हल्दी ली एक चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, डेढ़ चाय का चम्मच मैंने पीसी हुई लाल मिर्ची ली है, एक चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं दो से तीन अदर, इस तरह से मैंने काट लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून के जितना। साबुत मैंने गरम मसाला लिया है, इसके अंदर 4 लौंगे लिए, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, 2 हरी इलायची ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली हैं, और आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। इसमें कटी हुई अदरक ली है 1 चाय का चम्मच, थोड़ी सी ली है मैंने, और इसमें 1 टेबल स्पून की जितनी मैंने इसमें सूखी मेथी ली है, डेढ़ टी स्पून लिख लें इसका, और मैंने दही ली है 1/2 कप, और मैंने प्याज ली है 2 मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने पीस लिए, ग्लैंडर कर ली है, और ऑयल लिया मैंने 1/2 कप। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलिए, हमने ऑयल गरम कर लिया, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया था, इसके अंदर ये मैंने प्याज ली है 1/2 कप पिसी हुई, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून जितना, वो भी हम साथ डाल देंगे, और उसमें साबुत गरम मसाला है वो भी मैं साथ ही डाल देती हूँ, ताकि उसका भी अच्छी खुशबू आ जाए। ये देखिए साबुत गरम मसाला, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। तो ये प्याज अदरक लहसुन भून गया है हमने, अब मैं इसके अंदर चिकन की कलेजी है जो है ये डालूंगी कलेजी, तो मैं अच्छी तरह धोना है इसको, वॉश करना होगा अच्छे से पानी से, इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अब हम ये मसाले डाल देंगे, नमक मिर्च हल्दी और पिसा धनिया, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। तब हमने एक एक चाय का चम्मच लिया था, और किसी भी लाल मिर्ची मैंने 1.5 चाय का चम्मच लिया, ये हस्बैंड वाइफ ले सकते हैं आप। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भून लिया इसको, मैंने मसाला भी भून लिया है हमारा, और ये इसका कलर भी चेंज हो गया, अब मैं इसके अंदर दही डाल दूंगी, और ये जल्दी से बन जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता है, बस इसको हम पकने देंगे। अब इसमें सूखी मेथी भी डाल देते हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दी, इसको मिक्स करेंगे। दस मिनट लगेंगे, वह 10 मिनट में ही पक जाएगी, बहुत जल्दी बन जाती है चिकन की, 10 मिनट इसको पकने देंगे, फिर मैं इसमें अदरक डालूंगी और आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए रेडी हो गई है, इसको मसाला भून गया है, अब मैंने इसके अंदर अदरक डाल देनी है, थोड़ी हम उठा के रखेंगे, और थोड़ी मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल देंगी, थोड़े पर करेंगे हम डेकोरेट इसके लिए। अब आप इसको भून गई, अब इसको थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, तो उसके अंदर हमने 1/2 कप पानी डाल देंगे बस, डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। हमने इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाल दिया, और बस इसको मैं डिश आउट करूँगी, चूल्हा बंद कर दिया मैंने इसका, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, ट्राई ज़रूर करेगा, शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो देखिएगा, आपके समझ आएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मैं डिश के साथ हाजिर होंगी, इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।